बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी प्लिंथ बीम के बारे में। जब हम प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम प्लिंथ बीम का मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद शटरिंग करते हैं, शटरिंग करने के बाद कॉन्क्रीटिंग करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करने के बाद एक मेन स्टेप होता है क्यूरिंग, वो हम नहीं करते हैं। वो किस तरह से क्यूरिंग करना चाहिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, न्यू वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं, अच्छी सी सीमेंट डालते हैं और कंक्रीट डालते हैं अच्छा सा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना सा वेस्टेज भी यहाँ पे हुआ है, सीमेंट डाल कंक्रीट और सभी चीज़ डालते हैं और केमिकल भी ऐड करते हैं, बट हम क्यूरिंग नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितने भी हैं, मैं आपको प्लिंथ बीम बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी कंक्रीटिंग हो चुका है, यहाँ पे देखिए आप जितना भी यहाँ पे कंक्रीटिंग हो चुका है, इसको क्यूरिंग सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरा ड्राई है, पूरा ड्राई है, पूरा विजिट कीजिए आप, पूरा बताता हूँ मैं आपको, पूरा ड्राई है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो वाटर नहीं है, ऑयल है, ये वेट नहीं है, ये जो वाला देख रहे हैं ना आप, ये वेट नहीं है, ये जो है ऑयल है। यहाँ पर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर सर वाटर है ऑलरेडी, ये क्यूरिंग हुआ नहीं, क्यूरिंग हुआ है, जितना भी ये ब्लैक है ये ऑयल है, ऑयल दिख रहा है आपको, क्यूरिंग नहीं है ज़रा भी, यहाँ पे क्यूरिंग नहीं हो रहा है। तो क्यूरिंग किस तरह करना चाहिए, जैसा कि स्लैब को क्यूरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉन्ड मेथड है, और जो हम मणि बनाते हैं ना, चारों तरफ से बाउंड्री लेते हैं जैसा कि सीमेंट रेती से करके, उस वो मेथड है, स्प्रेइंग मेथड है, और पाइप से हम क्यूरिंग करते हैं, तो इसको भी क्यूरिंग करना चाहिए। इसको किस तरह से क्यूरिंग करना चाहिए, जैसा कि हम कॉलम को किस तरह से क्यूरिंग करते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है, जैसा कि ये है यहाँ पे कॉलम का, यहाँ पे शटरिंग है, यहाँ पे कॉलम का, यहाँ पे शटरिंग है, तो ये पानी क्या है, हम जितना भी हम कॉलम को डालेंगे क्या होता है, वो पानी नीचे गिर जाता है, अगेन और एक बार डालेंगे फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो कितने बार भी आप कॉलम को पानी पिलाने जाएंगे वो नीचे गिर जाएगा, 100 times भी पिलाएंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, राशन का जो बैग होता है, जैसा कि बैग, राशन का जो बैग, थैला बोलते हैं सिंपली जनरल लैंग्वेज में, जो थैला होता है हम उसे लपेट देते हैं पूरे सेट से, जैसा कि यहाँ पे एक थैला, यहाँ पे दो थैले, यहाँ पे तीन चार थैले, अच्छे से चार थैले उसको लपेट देते हैं, अच्छे से उसको राउंडिंग में लपेट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो वो थैला कच्चा रहता है और 4 times, 5 times कितने टाइम भी आप क्यूरिंग करेंगे तो क्या होते रहेगा, कॉलम पानी अब्जॉर्ब करते रहेगा, पानी को चूसते रहेगा। तो इसी तरह से कॉलम में भी, सॉरी, इसी तरह से बीम में भी वैसे ही रहता है, बीम का जो स्ट्रक्चर आप जितने भी पार पानी डालेंगे और नहीं ठहरेगा, नीचे गिर जाएगा, बीम में भी यहाँ पे नहीं ठहरेगा, बिकॉज यहाँ पे रोकने के लिए कुछ जगह नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रोक, यहाँ पर आप पानी डालेंगे, यहाँ पर ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ऑब्वियसली कॉलम से ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, बीम है, वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसको भी आप यहाँ पे थैला वगैरह से थैले से डाल देंगे, यहाँ पे टोटली यहाँ पे थैला डाल देंगे, थैला और जो राशन का जो बैग होता है बुलाना ना, वो जैसा कि कपड़े के टाइप में जो थैला होता ना वो डाल देंगे, क्लॉथ्स के टाइप में वो डाल देंगे यहाँ पे, और पूरा सभी को डाल देंगे, सभी के ऊपर डाल देंगे, तो क्या होगा, अच्छे से ये क्यूरिंग होगा, आपके पैसे जो है सही काम में आएंगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे सभी जगह पे क्यूरिंग नहीं हो रहा है का मतलब इन फ्यूचर में क्रैक्स हो सकता है, रेन्फोर्समेंट तो रहेंगे मगर क्रैक्स स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि जसेंटर से क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, फोकल टाइप हो जाएगा ये। तो क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉलम हो या अपना स्लैब हो, बीम हो, सिप्टिक टैंक हो, क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको सिंपली एक टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिप्टी टैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिप्टी टैंक में यहाँ पे एक तो वाटर टेस्ट हो रहा है और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूरिंग हो रहा है। क्यूरिंग का मतलब जैसे कि पानी यहाँ पे ऐड किए हैं 7 days के लिए, यहाँ पे वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, जो भी सिप्टी टैंक रहेगा पानी को ऑब्जर्व करेगा, तो वहाँ पे क्यूरिंग भी हो जाएगा, जो प्लास्टर रहेगा प्लास्टर को एक क्यूरिंग हो रहा है और दूसरा वाटर टेस्ट दोनों हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी दो फायदे एडवांटेजेस हो सकते हैं, जितने भी यहाँ पे ड्राई एरिया है आप उसके ऊपर थैला डाल देंगे, डाल के अच्छे से उसको क्यूरिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ भी आएगा और उसका टेस्ट भी आप कर सकते हैं, टेस्ट का वो नाम बोलता हूँ मैं किस तरह से है, तो ये करना मत भूलिए। जितना भी जहाँ जहाँ पे भी आप बहुत, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली आप प्लिंथ बीम का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको नियरली
20 या 30,000 रुपीस लगेंगे, लेबर चार्ज मिला के, सीमेंट कंक्रीट सब मिला के, स्टील वगैरह 30,000 रुपीस इतना खर्चा करके आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो बेस्ट नहीं रहेगा। तो आज की टॉपिक थी क्यूरिंग के बारे में। तो आज की वीडियो कैसी थी बताइए ज़रूर। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ न्यू वीडियोस चाहिए, आपकी पसंदीदा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो आपकी पसंदीदा इंशाल्लाह संडे को लाऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेफ, बाय बाय।